और इस वक्त एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, जबरदस्त सियासी हलचल। उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं राज्यपाल के पास मुलाकात करने राज्यपाल के पास उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं तब जबकि प्रदेश में महबूबा मुफ्ती सरकार गिर चुकी है। कांग्रेस कह चुकी है पीडीपी को समर्थन नहीं देंगे। सीधे रुख करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी का। आसिफ, पता चल पा रहा है उमर अब्दुल्ला राज्यपाल के पास क्यों पहुंचे? देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अधिकारियों के साथ बात की, उनका ये कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखने के लिए उमर अब्दुल्ला खुद गवर्नर एन एन वोरा से मिलने गए और 3:30 बजे उनको मिलने का समय दिया गया है और उससे यहाँ राज्यपाल से मिलने के तुरंत बाद 4 बजे नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना पक्ष साफ करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और से क्या मुलाकात हुई, क्या उन्होंने कहा, ये सबके सामने रखेंगे 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। लेकिन जिस तरीके का राजनीतिक घटनाक्रम होता जा रहा है, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हलचल होती दिख रही है और जिस तरीके के इससे पहले ही कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो पीडीपी को कोई समर्थन नहीं करेंगी, यानी जो जम्मू कश्मीर राज्य है ये गवर्नर शासन की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है और इसके संकेत इस बात से भी मिल रहे हैं कि शायद उमर अब्दुल्ला गवर्नर से ये कहने के लिए जा रहे हैं कि वो किसी भी तरह के गठजोड़ की कोशिश नहीं करेंगे और ना ही वो सरकार बनाने की कोशिश करेंगे और ना ही किसी पार्टी को समर्थन देंगे। यहाँ आसिफ, क्या 4 बजे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या खुद उमर अब्दुल्ला आएंगे मीडिया के सामने, कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रमुख स्पोक्सपर्सन है अरुण लाल, उन्होंने कहा है कि 4 बजे बैठक हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें सभी वरिष्ठ नेता होंगे और उमर अब्दुल्ला भी इसमें, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो इसमें रहेंगे और हो सकता है कि वो खुद ही ये बात सामने रखे क्योंकि जिस तरीके की घटनाक्रम है काफी बड़ी राजनीतिक एक खबर है, हलचल है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।